अखिल भारतीय ब्रह्म समाज का 21वां मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह बड़ी धूमधाम से रविंद्रालय लखनऊ में आयोजित किया गया। संस्था द्वारा इस वर्ष 362 बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिनमें विभिन्न वर्गों के 15 सर्वश्रेष्ठ अंक पाने वाले बच्चे भी सम्मिलित हैं। संरक्षक वीएन मिश्रा, कर्नल दयाशंकर दुबे एवं श्री गंगाचरण पांडे द्वारा कुमारी अदिति मिश्रा एवं यश त्रिवेदी को संस्था के संस्थापक करुणाशंकर शुक्ल ने स्मृति कप देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी अवस्थी ने संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेश पाठक, राज्यसभा सांसद डॉ. अशोक वाजपेयी, महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष एवं सदस्य विधान परिषद श्री मुकेश शर्मा, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, पूर्व विधायक एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा श्री सुरेश चंद तिवारी का स्वागत, श्री कमल किशोर मिश्रा, जेपी वाजपेयी, श्री अंजनी कुमार दीक्षित, श्रीमती अमिता त्रिपाठी, श्री धारानाथ मिश्रा, श्री राजीव शुक्ला, श्री शिव शंकर मिश्रा, श्री अवधेश अवस्थी, श्रीमती माधुरी मिश्रा, श्री अर्जुन द्विवेदी, श्री एम पी दीक्षित, श्री कमलेश वाजपेयी, श्रीमती प्रभा मिश्रा, श्रीमती शैलजा त्रिपाठी, श्री योगेंद्र मिश्रा आदि ने किया। आज अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा जो मेधावी छात्रों का सम्मान हुआ, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? प्रतिभा का सम्मान, कक्षा 10 और 12 के बच्चों को जिन्होंने अभी हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दी और अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, सम्मान और दंड दोनों का जीवन में बहुत महत्व होता है। उन बच्चों को जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनको प्रोत्साहन के लिए उनका सम्मान किया जा रहा है कि वो आगे परीक्षाओं में और अच्छे नंबर लावे, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन करें। इसलिए आज मेधावी छात्राओं का सम्मान समारोह ब्रह्म समाज द्वारा आयोजित किया गया। इसके लिए मैं ब्रह्म समाज को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों का उत्साह वर्धन होता है। यह कार्यक्रम सतत जारी रहने चाहिए, इसके लिए ब्रह्म समाज को बधाइयाँ। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा छात्रों का सम्मान किया गया, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? कितने सम्मानित हुए? अखिल भारतीय ब्रह्म समाज सामाजिक समरसता के लिए कार्य करता है। सबके विकास से, सबके आगे बढ़ने से देश आगे बढ़ेगा। इस विचार को दृष्टिगत करते हुए सभी सामाजिक लोगों को लेकर के आगे बढ़ रहा है। आज विभिन्न जाति वर्गों के 362 बच्चों का सम्मान अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा किया गया है। छात्रों को क्या संदेश देंगे? छात्र, जैसा हम अभी चंद्र मिशन पे गए थे उसमें हमने सफलता प्राप्त की है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, अपने पदाधिकारियों की तरफ से बच्चों को ये आशीर्वाद है और उनसे उनको ये प्रेरणा है कि वे जो सूर्ययान का हमारा जो अगला कदम है उसको प्राप्त करें। उसके लिए कार्यक्रम को लेकर अखिल भारतीय समाज कुमार पांडे हमेशा प्रोत्साहित करता है इस तरह के कार्यक्रम। रवि प्रताप चौधरी, मेरा मानना है कि भारतीय समाज में चाहे वर्ग कोई भी हो लेकिन उसके अंदर इस तरह का कार्यक्रम होते ही रहना चाहिए। अखिल भारतीय ब्रह्म समाज अपने माध्यम से मेधावी छात्रों का सम्मान करता है, यज्ञोपवीत संस्कार करा कर उनके संस्कारों की याद दिलाता है, बुजुर्गों के लिए उनको सम्मान करा करके उनके मन के अंदर सुरक्षा पैदा करता है, महिलाओं के लिए ऐसे ही सुरक्षा से संबंधित कई कार्यक्रम करता है, रंगोली, होली। मुझे लगता है इससे एक समाज में समरसता आती है और आपस में सभी संबंध मजबूत। तीन चलते हैं, एक सामूहिक यज्ञोपवीत का कार्यक्रम जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा था। संस्कार है हमारे 16 संस्कारों में एक संस्कार विशेष संस्कार है, वो फिर इसके बाद मेधावी छात्र। मेधावी छात्रों में उस समय तक तो हम केवल ब्राह्मण बच्चों को ही लेते थे, मगर बाद में ये सोचा गया कि हम समाज के मुखिया हैं, समाज के मुखिया होने के नाते हमारा ये संदेश न जाए कि ये ब्राह्मणों की ही संस्था है। तो हमने अन्य जो मेधा छात्र छात्र छात्राएं हैं उनको भी समझ। उप प्रधानाचार्य रिटायर्ड KKB इंटर कॉलेज,
और जैसे समाज में सभी लोग छोटी छोटी जाति वाले भी अपना ग्रुप बनाए हैं, अपना संगठन बनाए हैं और वो संगठन में अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं हर संगठन। तो ब्राह्मण समाज अगर कोई संगठन बना के अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, ये समाज की ज़रूरत है, आवश्यकता। हम लोगों को न दुनिया पूछती है न पूछेगी। तो और जातियों वालों को विधिवत सम्मान मिलता है सरकार से, अन्य संस्थाओं से, पर हमारे समाज हमको सम्मान हमारे समाज के बच्चों को कोई करने को तैयार नहीं। बच्चों को क्या संदेश देना है? हम बच्चों का, हमारे जो श्रेष्ठ कमजोर बच्चे हैं, मैं बच्चों को नहीं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, शिक्षा विश्व में बहुत आवश्यक है और शिक्षा को फ्री करना चाहिए, चाहे मेडिकल की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे आप इंजीनियरिंग हो। जैसे विदेशों में विश्व गुरु तभी बनोगे जब तक आपके बच्चे शिक्षित नहीं होंगे, उनके लिए पैसे के बोझ में मेडिकल स्वास्थ्य के आपने डॉक्टर बन जाएंगे ना इंजीनियर बन सकते। जो गरीब बच्चे हैं उनकी व्यवस्था सरकार फ्री ऑफ कास्ट करे हर क्षेत्र में, ये हर समाज के वर्ग को फायदा होगा। देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।